अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आप सभी दोस्तों का मेरी वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको आरे की धार लगाकर दिखाऊंगा। हम सबसे पहले अपने आरे के लिए, जो कि मेरे पास ये लकड़ी, ये मेरे पास लगभग 24 इंची और 3.5 इंची की पेमास की लकड़ी है, हम सबसे पहले अपने आरे का स्टैंड बनाएंगे आसानी से और फिर उसके बाद तैयारी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास ये रही आरी, हम आरी की पेमास करते हैं बिंटे सहित यहाँ तक। ये मेरी जो पेमास आ रही है 16 इंच पे पेमास आ रही है, हम इससे अपनी लकड़ी 3 इंच फालतू निकालेंगे, यानी कि 19 इंच हमारी पेमास बैठ रही है। हम 19 इंच लंबी अपनी पट्टी की पेमास काटेंगे और उसके बाद अब सेटिंग करेंगे। आप देख रहे हैं हमारी आरी, हमें इसमें पट्टी में सबसे पहले आपको इसमें टेपर करना होगा। लगभग आप जैसे यहाँ से आप 3.5 इंच पेमास देख रहे हैं इसकी, और यहाँ से हम इसकी पेमास लगभग, मैं आपको नाप कर दिखाता हूँ, हम इसकी पेमास यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे, जो कि हम इसका इसी अनुसार टेपर कर देंगे अपनी लकड़ी का, इस तरह जैसा कि आप देख रहे हैं। हम इस तरह से टेपर कर देंगे इस लकड़ी का, अब उसको घटाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपनी लकड़ी को बिल्कुल आरी की तरह सेम टेपर में बना दी है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें आप 20 सेंटर में बिल्कुल इसमें आरी चलाएंगे यहाँ पर इस अनुसार, जैसे कि आप देख रहे हैं। और हमें जो आरी चलानी, जैसे कि आपने देखा यहाँ से दस्ता है इसका बिंटा, यानी कि हम इसी हिसाब से अपनी इस तरह से लंबाई रखेंगे और यहाँ तक हम इसमें अपनी आरी में खांचा देंगे इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैंने दिखाया आपको यहाँ पर, मैं खतखत से निशान लगाकर इसका 20 सेंटर निकालता हूँ, जिससे कि जो हमारी आरी है इसके अंदर चली जाएगी इस अनुसार, और फिर हम जब आगे कार्य करेंगे। अब हम इसी अनुसार इसके यहाँ तक चिराई करेंगे, जैसे कि मैंने सेंटर कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया इसमें आरी चलाकर, इसमें हमें आरी से ही चिराई करनी है, आप किसी मशीन से चिराई नहीं करना। और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, अगर आप इसको सिकंजे में खींचते हैं, इससे खींचने से यहाँ से इसका मुंह खुल जाता है। अब हम इसका यहाँ से, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें हम थोड़ा थोड़ा टेपर करेंगे, लगभग 2-2 सूत का इस साइड से, नीचे की साइड से हम 2 सूत टेपर कर देंगे, और जो हमारा शिकंजा होगा इससे खींचेगा, इसका मुंह यहाँ से बंद हो जाएगा बिल्कुल, और आरे की धार सही बन जाएगी। और मैं आपसे एक चीज और बताता हूँ, हम जैसा अपने तिकोरे से धार लगाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। आरी में तिकोरा चलाएंगे इस अनुसार, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ लगा कर, ये आपका तिकोरा यहाँ पर इसमें अड़ेगा, जिससे कि हम इसका भी थोड़ा सा टेपर लगा देंगे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा। जैसे हम लगभग इसको यहाँ से 3 सूत या 4 सूत के आसपास इसको राउंड देंगे हल्का सा। थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा जो है आप देख रहे, मैंने अच्छा अभी पहले से टेपर किया, इसको आप थोड़ा सा राउंड कर दें, गोल हो जाएगा इस प्रकार। हम इसमें एक सिरे पर, जहाँ पर हमारा सिरा ये साबुत होगा, हम इसमें एक होल कर देंगे यहाँ पर, ताकि हम इसे अपने फर्मे को किसी स्टैंड पर टांग सके।
फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपना आरी का स्टैंड तैयार कर लिया है। अब हम इसकी सहायता से मैं आपको सिकंजे में लगाकर आरी की धार दिखाऊंगा किस प्रकार लगाते हैं। हमको आरी लगभग 12 mm बार निकालनी है अपने स्टैंड से, लकड़ी के स्टैंड से, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैंने इस स्टैंड का दोनों साइड से लगभग चार चार तीन तीन सूत के आसपास, यानी कि 9 mm मैंने इसमें टेपर दिया। जो हमारा शिकंजा, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर दिखाओ, इसमें यहाँ पर देखना आपने, इस दोनों सिरे की दाब बनी हुई है जिससे कि इसकी बिछाई कर दी है आरी की। अब ये आपकी आरी हवा भर भी नहीं चस्केगी और हम बहुत ही आसानी से अपने आरी की धार लगा पाएंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप मेरे पास गुलाबी कलर में पॉलीथीन में तिकोना देख रहे हैं, तिकोना ये मेरे पास जेक कंपनी के, अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ 35 रुपये 4 इंच, और अगर मैं 5 इंच की बात करूँ लगभग आपको 45 रुपये मार्केट से मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पुराना तिकोरा है, अगर आपकी आरी के ऊंचे नीचे दांते हो रहे हैं तो उसमें आपको क्या काम करना है, आप अपना इस अनुसार बिंटा निकालेंगे तिकोरे से और इस तरह से पकड़ेंगे अपने खाबे हाथ से, यानी कि बाएं हाथ से, और इस तरह से इस पर आप चलाएंगे इस तरह से यूँ। आपको जो सारा लेना है आगे की साइड लेंगे इस अनुसार, जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ लगाकर इस तरह से। आप इस तरह से भी इस पर चला सकते हैं तिकोरे को पकड़कर, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपसे। इस तरह से जो आपके ऊंचे नीचे दांते होंगे इसमें, वे बिल्कुल घिस जाएंगे और इसमें आपका जो सारे दांते दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल लेवल आ जाएगा। अब हम अपने नए तिकोरे से धार की शुरुआत करते हैं, इस तिकोरे से जो कि मैंने लगा लिया अपने जस्ते में, जिसको जस्ता ही बोलते हैं। इस अनुसार हम सबसे पहले जो धार लगानी शुरू करेंगे इधर की साइड से लगाते हुए चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपना बिल्कुल ये जो हमारी सतह होगी इसके ऊपर की हम बिल्कुल सीधी रखेंगे, ये वाली ऊपर से आप देख रहे हैं इस तरह से, और इसको हम इस तरह से चलाएंगे। इसमें आप दो दो गस्से का हिसाब लेकर चलना है, जैसा कि मैं चल रहा हूँ अपने हिसाब से। और अगर आपको इसमें जो दांता पड़ा था उसमें अगर चमक पैदा हो रही है, मैंने कहा दंता घिसा हुआ है आपका, उसमें 3 दंते 4 दंते 5 दंते तिकोरे के घिस सकते हैं, 5 गस्से 3 गस्से 4 गस्से जितना भी ज़रूरत होगी आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। जैसा कि मैं अपना बारी बारी से दो दो बार तिकोरा लेकर उठाकर चल रहा हूँ, आसानी से आपको भी इसे अनुसार चलाना है। इसमें मैं जो देख रहा हूँ दांता, इसमें यहाँ पर तिकोरा लगवाइए, दांता ऊंचा था, इसमें लगभग हमारे 4 या 5 गस्से लग जाएंगे जिससे कि सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने अपनी आरी की धार लगा ली है। अब हमें चेक करना है, इस तरह से आप हल्का हल्का हाथ रखेंगे, आपको अपने हाथ पर दाब नहीं देनी है। इसमें आपको धार महसूस हो जाएगी कि आपके हाथ में दांत चुभ रहे हैं नहीं चुभ रहे हैं। अगर धार कम होगी उसमें आपको फिसलन महसूस होगी और वो चुभेंगे नहीं। अभी हमारे जो दांते हैं आरी के चुभ रहे हैं मेरे हाथ में। और रही बात हमारी इसकी पैड लगाने की, मैं आपको इसका पैड लगाने का बिल्कुल आसान और सरल तरीका भी बताऊँगा, क्योंकि मैंने देखा है पैड लगाते हुए मुझे कुछ तरीका अच्छा नहीं लगा, मैं आज आपको सही तरीका दिखाऊंगा पैड लगाने का। फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे पास रंधे की तेक देख रहे हैं, मेरे पास स्टील का फनर है जो कि हम सादे रंधे में लगाते हैं, 2 इंच की तेक है। हम इसके इस साइड इसमें लोहे काटने की आरी से इसमें खांचा देंगे, जो हमारे आरी के दांते हो गए उसके हिसाब से हम फिर इसमें पैड लगाएंगे। मैंने अपनी रंधे की तेक को अपने ही लकड़ी के ठेमे जो मैंने आरी के लिए बनाया ठिया उसमें दाब लिया है, और हम अब इसका इसमें दांता देंगे लोहे की आरी से, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम यहाँ पर जो सिरा होता है गोल वाला रंधे की तेक का, जो पिछड़ी साइड होती है, उस हिसाब से इसमें यहाँ खंचा देंगे। इसमें हम अपना थोड़ा सा रुक कर चलाएँगे, क्योंकि आपकी जो तेक है वो बहुत ही हार्ड है रंधे की, इसमें झटके के हिसाब से आपका गस्सा चलेगा क्योंकि बहुत सख्त बना रहा है आपका। इसमें हम लगभग
4 mm के आसपास इसमें गहराई तक के खंचे देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें मैं झटके से काम ले रहा हूँ तेग में। हम अपने टैग में एक बार आरी फंसा कर देखेंगे, आरी हमारी आ रही है नहीं आ रही है, इस तरीके से जिस तरह आप देख रहे हैं। इसी अनुसार हम अपना एक बार दंता भी चेक कर लेंगे। इसमें हमारा दंता लगभग से आ रहा है, हम फिर भी थोड़ा बहुत ढीला कर लेंगे इसको। इसको मैंने थोड़ा सा ढीला कर लिया है आरी के हिसाब से। अब हम बेल्ट लगाएंगे आरी की। अगर हमारी आरी ऊंची नीची रही है, आप हथौड़ी का बिंटा पकड़ पे एक साइड से आप इस तरह से मार सकते हैं। इससे आपकी आरी के दंते ख़राब नहीं होंगे, अगर आप यहाँ से मारेंगे ख़राब हो जाएंगे। इस अनुसार आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं आप अपनी आरी इस तरह से। मैंने आपको चोट मारकर दिखा लकड़ी से, इससे आपकी आरी की धार ख़राब नहीं होगी। अब हम शुरुआत करते हैं अपने आरी की बेल्ट लगाने की। हम जो बेल्ट लगाएंगे यहाँ से नहीं लगाएंगे, हम इस साइड से बेल्ट लगाते हुए चलेंगे। हमें अपनी आरी स्टैंड में ही दाबनी है, जिस प्रकार मैंने शिकंजे में और लकड़ी की ठे में दाब रखी है, और आप उस अनुसार अपनी आरी की बेल्ट लगा देंगे। उससे आपकी जो आरी होगी वो बिल्कुल अपने स्थान पर सेट होगी, यानी कि वो हिलेगी नहीं। और अगर हिलती है उसमें आपके जो आरी के दांते हैं कमती पत्ती बहर में आएंगे, जिससे कि जो कटिंग होगी लकड़ी की वो सही नहीं आएगी और ये अपनी जगह बिल्कुल जाम है। और हम इसकी बेल्ट लगाते चले जाएंगे और दंते बिल्कुल एक सार बनते चले जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। हम जो बेल्ट लगाएंगे एक दांता राइट साइड में बढ़ेंगे और हम बीच का दांता बिल्कुल छोड़ देंगे सीधा। फिर तीसरा दांता लेंगे हम अपना लेफ्ट साइड में मोड़ेंगे इस अनुसार, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं एक दांता छोड़ूंगा, एक घुमाऊंगा, इस अनुसार हमारी बेल्ट लगती चली जाएगी, जो कि आपको लकड़ी काट कर दिखाई जाएगी। ये हमारा दोस्तों बहुत ही सरल और आसान तरीका है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि वे हाथ से ही पकड़ कर आरी की बेल्ट लगाते हैं, मगर नहीं, मैं इसी अनुसार अपनी आरी की बेल्ट लगाता हूँ। क्योंकि हमारी आरी स्टेम बिल्कुल जामेगी और वो जर्सी भी नहीं, जितना हम सारा देंगे अपने दांतों को अपनी रंधे की तेज से, किसी पत्ती की सहायता से भी आप बना सकते हैं बेल्ट लगाने के लिए। हमें यूँ ही मोड़ना होगा, देख रहे हैं जैसे कि आप बिल्कुल आसानी से मैं अपने दांतें मोड़ रहा हूँ और ये बिल्कुल सरल और आसान तरीके से बराबर दाब बढ़ती जा रही है, जैसा कि मैं आगे को बढ़ते क्रम में चल रहा हूँ दंतों में। हमें जो अपनी पत्ती में खांचा देना है लोहे की आरी से, वो लगभग 4 mm के आसपास अपना खांचा दे देंगे, उससे कि जो आपका दांता है वो 4 mm के लगभग की लंबाई होती है उसमें बिल्कुल फिक्स आ जाएगा और जड़ तक के आपकी बराबर दाब पड़ेगी आपके दंते पे, जिससे कि बेर बिल्कुल सही आएगी। इसी अनुसार मैंने अपने आरी के दंते की बेर पूरी कर ली है। अब हम इस आरी से आपको लकड़ी काट कर दिखाएंगे। मैंने आपको अपने तरीके से आरी की धार लगाकर दिखाई और उसका आरी का आपको दो फट्टी के दरमियान किसी लकड़ी से एक स्टैंड बनाकर आपको दिखा, जो बिल्कुल उसका सही सही तरीका है वो मैंने आपको बनाकर दिखाया। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि दीदी इजाज़त। जय हिंद।